क्या सी रही आइए गौर करते हैं। वैसे मैं आने वाला तो नहीं था, मैंने मना नहीं किया, उन्हें ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत देर के लिए तो मैंने कहा मैं आ रहा हूं। कथा जो हमारी शुरुआत हुई है, ये भगवान की श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो भी बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा वही कथा है जिसके सुनने मात्र से अनेकों पापियों का उद्धार हो गया। श्रीमद् भागवत कथा जो तीन प्रकार की ताप है, दैविक ताप, दैहिक ताप, भौतिक ताप, सबको दूर करने वाली है। लेकिन माफ करें करें क्या, अब वक्ता भी बदल गए, श्रोता भी बदल गए। हाँ, लेकिन विद्वानों का कहना है कि भगवान की भागवत में जब बैठो, भगवान के कीर्तन में जब बैठो, भगवान के भजन में जब बैठो, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का अपने बल का अपने तन का अभिमान न हो, अभिमान करके नहीं, बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। समझाया है, अभिमान करके नहीं, बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। और जरा सोचो, अगर हम अभिमान भी करें तो किसका करें? अगर हम ये कहें कि हमारे पास में अधिक धन दौलत है या मैं अधिक सुंदर हूं या हमारे शरीर में ताकत है, तो जरा सोचो, अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर में अधिक ताकत है या मैं अधिक सुंदर हूं, तो ये सुंदरता कब तक रहेगी? एक नेक दिन से भी नष्ट होना है। अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर में अधिक ताकत है तो ये भी हर दिन नहीं रह सकती। अगर हम ये कहें कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं तो धन भी ये हमारा साथ नहीं देता और इस धन से भी हर एक चीज नहीं मिलती। और फिर इंसान की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, जा तो बालो।